हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक एंड ऑप्शन कंसल्टेंट। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कल यानी फ्राइडे के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट आ सकता है और उसके लिए हम लोग कौन कौन से लेवल अपने चार्ट पर लगा कर रख सकते हैं। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट हुआ और मैंने कौन से ट्रेड लिए, निफ्टी में लिए कि बैंक निफ्टी में लिए, ये मैं सारी बातें आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वीडियो को बहुत पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। आप लोग देख सकते हैं इन बैंक निफ्टी के चार्ट में आज मार्केट में क्या हुआ, एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद बैंक निफ्टी एक 50 मिनट का भी कैंडल एग्जैक्ट इस लेवल पर, जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया था 41,830 का जो है लेवल है वो लेवल पर इसने रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद वहां से डायरेक्ट यहां तक आप लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये मार्केट यहां पर गिर गया और उसके बाद ये जो है पूरा एक साइड वेज में चला गया। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक साइड वेज में चला गया यहाँ तक। इसलिए बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लाइन, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट है, ये सपोर्ट का ब्रेकआउट तो हुआ एक वीक कैंडल से, पर इससे बेहतर जो है मुझे निफ्टी में ट्रेड मिल रहा था इसलिए मैंने निफ्टी में ही ट्रेड करना सही समझा। देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं निफ्टी में भी क्या हुआ दोस्तों कि निफ्टी में भी एक जो है गैप अप ओपनिंग हुई, आप लोग देख सकते हैं ये जो है पूरा गैप अप ओपनिंग हुई। उसके बाद निफ्टी भी इस लेवल को आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 18,090 का लेवल। जब तक 18,100 से ऊपर 18,100 से ऊपर अगर निफ्टी पूरी तरह सस्टेन न करे तो बुलिश मोड में बैठना सही नहीं है। मैं बुलिश मूड में यानी कॉल ऑप्शन पर तभी बैठूंगा जब ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करे। आप लोग देख सकते हैं ये जो है 13 सितंबर को भी इसने इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, 14 सितंबर को भी इसने एक बुलिश शार्प पॉइंट में गया बट यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद इसने रिजेक्शन मिला और आज भी इसी लेवल पर इसने 15 मिनट का कैंडल क्लोज किया और वहाँ से सीधा जो है आप लोग देख सकते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ तक ये डाउनफॉल में आया। अब जो है उसके बाद इसने एक रेंज बाउंड में, ये भी एक रेंज बाउंड में साइड वेज में चला गया। आप लोग देख सकते हैं ये एक साइड वेज में चला गया, मैं वेट कर रहा था साइड वेज का, पर मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ट्रेड निफ्टी में आज लिया और कहाँ पर लिया मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैंने आप लोग मैं कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था ये ट्रेड लाइन नीचे की तरफ से आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेड लाइन, हो सकता है कल के दिन काम करे। इसने इस ट्रेड लाइन एंड एक सपोर्ट का ब्रेकआउट किया 17,980 का इसने ब्रेकआउट किया। मैंने इस लेवल पर ये जो कैंडल आप लोग देख सकते हैं ये जो कैंडल है इस कैंडल का जो ब्रेकआउट होने के बाद इसके हाई पर मैंने आप लोग देख सकते हैं 17,970 से नीचे मैंने ट्रेड लिया और मेरा फर्स्ट टारगेट जो था मैं आप लोगों को बताया था मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टारगेट 17,900 का मेरा फर्स्ट टारगेट था। उसके बाद मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में फंस गया इसलिए मैंने दोबारा ट्रेड नहीं किया। तो चलिए दोस्तों ये तो था कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन किस तरह से काम किया। मुझे पता था कि आज कोई खास मूवमेंट नहीं आने वाला क्योंकि मूवमेंट जो है कल ही लगभग एक अच्छा मूवमेंट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में बुधवार के दिन ही मूवमेंट एक अच्छा मूवमेंट आ गया। तो जिस दिन एक बड़ा मूवमेंट आता है उसके दूसरे दिन मार्केट पूरी तरह से साइड वेज में चला जाता है, इसीलिए मैं एक ट्रेड लिया मैंने और उस ट्रेड के बाद मैंने दूसरा ट्रेड नहीं लिया। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा मूवमेंट एक लेवल का ब्रेकआउट के बाद ये पूरी तरह साइड वेज में चला गया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं कि कल यानी फ्राइडे के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकता है, उसके लिए हम लोग कौन कौन से लेवल लगा सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग एक लेवल को मार्क करें, इस लेवल को आप लोग देख सकते हैं ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। किस तरह से है वो मैं बताता हूं आप लोगों को। इसने
यहाँ पर देख सकते हैं इसने सपोर्ट लिया, फिर इसमें रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ भी रेजिस्टेंस इसने लिया, इसने एक ब्रेकआउट दी पर एक बिग कैंडल से दी। बिग कैंडल तभी बनती है दोस्तों जब किसी रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो, तो ही बिग कैंडल बनती है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट में और भी ये बनेगा, 1 2 3 एंड 4 5 6, 6 टाइम इसने जो है इस लेवल पर अपना ब्रेकआउट सॉरी सपोर्ट लिया है। अब हम लोग ये लेवल को आप लोग मार्क करें, लेवल है 17,865 का लेवल, इस लेवल को आप लोग मार्क करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। अब चलिए चलते हैं दूसरे लेवल के लिए। यदि कल इस लेवल से नीचे निफ्टी सस्टेन करे 15 मिनट के कैंडल, तो आप लोग डेफिनेटली पुट ऑप्शन पर बैठोगे। आपका फर्स्ट टारगेट कौन सा होगा मैं बताता हूँ, आपका टारगेट होगा ये, आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का लेवल है, इस टारगेट तक आप लोग अपने पुट ऑप्शन पर बैठ सकते हैं। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं इसमें भी आप लोग देख सकते हैं इसने यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम इसने यहाँ लिया, थर्ड टाइम इसने यहाँ लिया, एंड 3 टाइम जो है इसने इसका इस जगह पर सपोर्ट लिया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 17,865 से नीचे अगर निफ्टी सस्टेन कर जाए तो डेफिनेटली आप लोग पुट ऑप्शन बैठोगे, लेकिन ये आपका टारगेट 17,780 का जो टारगेट है, ये टारगेट आप लोगों का अचीव होगा। चलिए अब दूसरी सपोर्ट की बात करें, तो कौन सा सपोर्ट आप लोग अपने चार्ट पर लगा सकते हैं, आप लोग इस लेवल को मार्क करें, देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इसने फर्स्ट टाइम ये पूरा का पूरा एंड थर्ड टाइम, ये भी एक इम्पोर्टेंट कल के लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। चलिए नीचे की तरफ तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब ऊपर की तरफ आप लोग कौन से लेवल अपने चार्ट पर लगा सकते हैं वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। निफ्टी में आप लोग कॉल ऑप्शन पर बैठोगे, इस लेवल के ऊपर लेवल है ये, लेवल में है कितना 17,925, 17,925, 17,925 का लेवल अगर ये सस्टेन करे निफ्टी, उसके बाद ही आप लोग कॉल ऑप्शन पर बैठोगे। आपका फर्स्ट टारगेट कौन सा होगा वो मैं बताता हूँ, आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा ये 18,015 का लेवल, ये आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा। और इस 18,015 से भी ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो आप लोग इस टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, जो कि बहुत ही क्रूशियल लेवल है। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, आप लोग इस लेवल को भी मार्क करें, ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे आप लोग अपने चार्ट पर मार्क करें। लेवल कितना है 18,090 का लेवल, मैंने कल के वीडियो में बताया था ये जो लेवल है 18,090 का लेवल, इसे अपने चार्ट पर मार्क करें। आप लोग को इसने 3 दिन से, आप लोग देख सकते हैं 3 दिन से इसने निफ्टी ने इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। आज भी फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुई तो इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया और वहां से मार्केट नीचे आ गया। रिजेक्शन कितना मिला आप लोग देख सकते हैं, ये एक सेलिंग जोन है दोस्तों, इसे मार्क करें। कौन सा जोन है, ये एक सेलिंग जोन है, इसे अपने चार्ट पर मार्क करें, ये एक सेलिंग जोन है। कौन सा लेवल मैंने बताया 18,090 का लेवल, ये बहुत ही सेलिंग जोन है, इसे आप लोग अपने चार्ट पर मार्क करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस लेवल से ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करे तो आप लोग एक बड़े मूवमेंट के लिए कम से कम निफ्टी में आप लोग 250 से 300 पॉइंट का टारगेट अचीव कर सकते हो, अगर ये इस लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया तो। अभी फिलहाल आप लोगों को करना क्या है, अगर ये जो लेवल मैंने बताया 17,925 का लेवल, इस लेवल से ऊपर अगर सस्टेन करे तो आप लोग कॉल ऑप्शन पर बैठ सकते हो इस लेवल के लिए 18,015 तक के लिए, एंड सेकंड टारगेट आपका रहेगा 18,090। 18,090 में आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल ना करें, एग्जिट हो जाए, अगेन एंट्री कर सकते हैं। 18,100 से ऊपर यदि निफ्टी सस्टेन करे तो आप लोग अगेन एंट्री कर सकते हैं, एक बिग मूवमेंट आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रेड लाइन की, तो ट्रेड लाइन कौन सा लगा सकते हैं आप लोग अपने चार्ट में वो मैं बताता हूँ। आप लोग देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेड लाइन, इसे अपने चार्ट पर मार्क करें। ये ट्रेड लाइन जो है, इस ट्रेड लाइन को आप लोग अपने चार्ट पर मार्क करें, कल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन
सपोर्ट का काम करेगा ये जो ट्रेड लाइन मैंने आप लोगों को बताया। ऊपर की तरफ से एक ट्रेड लाइन और आप निफ्टी में लगा सकते हैं। मैं बताता हूँ ट्रेड लाइन कौन सा है। इस ट्रेड लाइन को आप लोग अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हो ऊपर की तरफ से। चलिए चलिए दोस्तों, ये तो मैंने निफ्टी में आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है उसके लिए हम लोग कौन कौन से लेवल लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा, एक साइडवेज में फंस गया। जिस दिन बैंक निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं ये एक 50 मिनट का गैप डाउन ओपनिंग हुई, कल के दिन 14 सितंबर को गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद इसने एक 50 मिनट का बिग कैंडल लगा और पूरा शार्प मोड में यहाँ से यहाँ तक ये चला गया और यहाँ पर इसने इसे रिजेक्शन मिला। इसलिए इस लेवल को आप लोग मार्क करेंगे। मैं बताता हूँ लेवल कौन सा है। सबसे पहले आप लोग इस लेवल को मार्क करें। ये जो लेवल है 41,610 का लेवल, इस लेवल को अगर सस्टेन करें तो आप लोग निफ्टी में सॉरी बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन पर बैठ सकते हो। पर मैं चाहूँगा कि आप लोग इस लेवल के ऊपर ही, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर ही आप लोग कॉल ऑप्शन पर बैठे दोस्तों, अन्यथा कॉल ऑप्शन पर इस लेवल के ऊपर ही मैं चाहूँगा कि कॉल ऑप्शन पर बैठे। अब बैंक निफ्टी को शॉर्ट का आप कब करेंगे ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो लेवल है आप लोग देख सकते हैं पूरा दिन भर इसने इसी लेवल पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो लेवल है कितना का लेवल है दोस्तों, 41,150 का लेवल, 55 का लेवल, 41,155 का जो लेवल है ये आप लोग देख सकते हैं इसने कितने यहाँ पर पूरा का पूरा इसने सेकेंड टाइम भी इसने इसी लेवल पर अपने 15 मिनट के लास्ट कैंडल का क्लोजिंग दी है। इसलिए इस लेवल को आप लोग मार्क करके रखें। ये लेवल कल के दिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो तो आप लोग डेफिनेटली पुट ऑप्शन पर बैठे होंगे। कौन से टारगेट के लिए वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये लेवल है 40,910 का लेवल। ये जो लेवल है ये इस लेवल तक के लिए आप लोग पुट ऑप्शन पर बैठ सकते हैं। उसके बाद अगर इससे भी सस्टेन कर जाए तो आप लोग अगेन कौन सा लेवल के लिए आप लोग अब बैठेंगे, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे इस लेवल तक के लिए 40,660 का लेवल। 40,660 ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल को भी अपने चार्ट पर आप लोग मार्क कर ले। इस लेवल को अपने चार्ट पर मार्क करें। चलिए अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कुछ लेवल। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बैंक निफ्टी में इस लेवल पर इस जो है आप लोग इसे मार्क कर ले। बैंक निफ्टी में ये पूरा का पूरा एक ट्रैप जोन है, इस के अंदर आप लोगों को इस जोन में आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। आप लोगों को कॉल ऑप्शन पर फ्रेश एंट्री लेनी है कब, 41,785 से ऊपर, एंड पुट ऑप्शन पर आप लोग इस लेवल पर 41,555 से नीचे अगर सस्टेन करें तो आप लोग डेफिनेटली पुट ऑप्शन पर बैठ सकते हो 40,910 तक के लिए। मैं तो चाहूँगा कि 40,910 के बाद आप लोग अपने ट्रेड को एग्जिट कर ले, क्योंकि इसके बाद ये जो है ये भी एक तरह से ट्रैप जोन है, पूरा साइडवेज स्पिन मार्केट रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग ट्रेड ना करें। ये जो है ये भी एक पूरी तरह से देख सकते हैं पूरी तरह साइडवेज, इसलिए साइडवेज जहाँ पर उसे मार्क करना चाहिए उसमें उस रेंज में आप लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप लोग अगेन एंट्री करना चाहते हैं तो इस लेवल के नीचे ही एंट्री करें, 40,660 से नीचे ही एंट्री करें। और किस टारगेट तक के लिए करें वो लेवल मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये लेवल आप लोग लगा कर रख सकते हैं अपने चार्ट पर। लेवल है ये देख सकते हैं, इसने यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर इसी लेवल पर इसने सपोर्ट ली, उसके बाद फिर इसने 15 मिनट का क्लोजिंग इससे ऊपर की है, सपोर्ट लिया, अगेन 15 मिनट का पूरा कैंडल यहाँ पर बनी है इस यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद। इसीलिए ये 3 टाइम इसने सपोर्ट ली, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा लेवल है, 40,290 का लेवल। ये जो लेवल है इसे अपने चार्ट पर मार्क करें। इस टारगेट तक के लिए आप लोग अपने, फिर से बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को सबसे पहले पुट ऑप्शन पर कब बैठना है, 41,155 से नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करे आप लोग पुट ऑप्शन पर बैठ सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 40,910। उसके बाद इस टारगेट पर आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल ना करें, आप लोग अब एग्जिट कर लें। अगेन एंट्री आप लोगों को अगर लेनी है तो इस लेवल का वेट करें आप लोग 40,660। इस लेवल के सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट होने पर आप लोग अगेन पुट ऑप्शन पर एंट्री कर सकते हैं। आपका टारगेट होगा 40,290। चलिए ये तो था कुछ लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं बताता हूँ ट्रेड लाइन। आप लोग अपने चार्ट पर ट्रेड लाइन कौन सा लगा कर रख सकते हैं।
एक साइकोलॉजिकल ट्रेड लाइन आप लोग अपने चार्ट पर लगा सकते हैं दोस्तों। मैं बता देता हूँ, इस लेवल को आप लोग चार्ट, इस ट्रेड लाइन को अपने चार्ट पर लगा ले नीचे की तरफ से, हो सकता है कल के दिन ये काम करे, और आपके साइड से इससे आप लोग अपने चार्ट पर लगा सकते हैं, ये हो कल के दिन अच्छा काम कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।